तो गाइस इस तरह से बनाएंगे हम आज वीडियो। आज इस बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर अकबर शेख MJ। तो दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं फायर लोगो नेम कैसे बनाया जाता है। फायर लोगो नेम बनाने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना होता है, दो ऐप की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला तो लगता है हम लोग को काइन मास्टर, जिससे हम लोग वीडियो बनाएंगे। दूसरा चाहिए हमको पिक्सल लैब। पिक्सल लैब और काइन मास्टर दोनों आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग को सबसे पहले पिक्सल लैब को इस्तेमाल करना है, उसके बाद में काइन मास्टर में जाना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चले जाते हैं पिक्सल लैब में। सबसे पहले जाना होगा पिक्सल लैब में। जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, दो बार टच करना है यहाँ पे, ताकि टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट आने के बाद में आपको यहाँ से इसको कट कर देना है। कट कर देने के बाद में यहाँ पे आप जिन लोगों का भी नाम लिखना चाहते हैं, जिसका भी नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ AK, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं कैपिटल में AKBAR अकबर, मेरा ही नाम यूज़ कर रहा हूँ। आप कौन सा भी नाम यूज़ कर सकते हो, जैसे इमोजी, स्माइली वाला इमोजी लगा सकते हो, हार्ट लगा सकते हो। मैं सिंपली अभी का फिलहाल आपको बताने के लिए मेरा नाम ही बस डाल रहा हूँ। आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो इसको, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो उसके अंदर में। तो देखिए दोस्तों हमारा नाम यहाँ पे आ चुका है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद थोड़ा सा सेंटर में ले लेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे के नीचे साइड में दिख रहा होगा आपको ए, बड़ा सा ए दिख रहा होगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके यहाँ पे सबसे पहले इसको फ्रंट इसका अपने को बदल लेना है। फ्रंट में जाने के बाद इसमें से दोस्तों बहुत सारे फ्रंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से आप कौन सा भी एक चूज़ कर सकते हो। सबसे मैं तो इसमें से ये नीचे वाला टच करता हूँ, यहाँ पर जाते यूज़ करता हूँ मैं इसको, तो इसको ओके कर लेता हूँ। ये फ्रंट हमारा दोस्तों हो गया है। अब इसके बाद हम लोग इसको ना कलर कर लेते हैं। कलर करने के बाद में हमको क्या करना है, इसमें रेड कलर ले लेना है। रेड कलर आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, कौन सा भी कलर ले सकते हो। रेड कलर ले लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट बताना चाहूँगा, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको इतने जल्दी बैकग्राउंड कलर हमको चूज़ करना है। बैकग्राउंड कलर कहाँ से चूज़ करोगे, बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पर देखिए ए पर ही रहने देना है। स्क्रॉल करते रहना है, बैकग्राउंड पर चले जाना है। बैकग्राउंड पे जाके इनेबल को एबल कर देना है। नीचे में कलर दिखाई देंगे, इसके अंदर में हम लोग को ब्लैक कलर लेना है। ब्लैक कलर आ जाने के बाद में इसको अपने को ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद में हम लोग को क्या करना है पता है, यहाँ से इसको ये वाले ऑप्शन में चले जाना है, बीच वाले ऑप्शन में, फिर बाजू वाले ऑप्शन में। बाजू वाले ऑप्शन में जाके दोस्तों हम लोग को क्या करना है, ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर लेना है। यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट करने के बाद में हम लोग को क्या है, यहाँ पर ऊपर के साइड में सेव टू गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर से आपको सेव एज इमेज कर देना है। सेव एज इमेज करने से पहले दोस्तों हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो क्वालिटी दिखाई दे रही है, क्वालिटी के बाजू में टच करने का है। यहाँ पे हम लोग को इसको हाई कर लेने का है और सेव टू गैलरी कर लेने की है। तो दोस्तों ये तो हो गया है। इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, इसी पर टच करके एक बार इसको ऊपर वाले सामने में डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर टच करते और इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा ऊपर साइड में, प्लस वाले निशान पर टच करते हैं और यहाँ से सेव, यहाँ से हम लोग फ्रॉम गैलरी में चले जाते हैं। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद में हम लोग को जो हम लोग क्रॉप करके फ़ोटो को डाल क्रॉप करके फ़ोटो को लिए थे, उसको फ़ोटो को हम लोग ले लेते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग का फ़ोटो आ चुका है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इसकी साइज़ बड़ी बड़ी कर देते हैं और इसको स्क्रीन में फिट कर लेते हैं। स्क्रीन में फिट कर लेने के बाद इसको हम लोग जितना चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं और सेंटर में ले सकते हैं। इसको सेंटर में ले ले, सेंटर में लेने के बाद में हम लोग को क्या करना है, बीच वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल कर करके हम लोग को यहाँ पे आना है इज़र कलर पे। इज़र कलर को हमको एबल कर देना है। उसके बाद में प्लस के ऑप्शन को दबाना है, लेफ़्ट साइड में देख लीजिए प्लस का ऑप्शन है। प्लस के ऑप्शन को दबाने के बाद में यहाँ पर पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा होगा, पेंसिल के निशान को टच करना है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा घुमा लेना है, यहाँ पर रेड हो जाएगा, जहाँ पे भी रेड हो जाएगा वहाँ पे रोक देना है। रोक देने के बाद में इसको ओके कर देने का है, ताकि पीछे का जो रेड कलर है वो बैकग्राउंड हट जाए। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसी तरह से करना है। आपको थोड़ा सा रेड चाहिए तो आप रेड भी कर सकते, और पूरा ही हटाना है तो पूरा भी हटा सकते हैं।
इसको, ये तो दोस्तों हो गया है, इसको हम लोग अब कर देते हैं ओके, इसको ओके कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव एज इमेज, इसको भी हम लोग हाई कर लेते हैं। हाई करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से क्वालिटी दिखाई देगी, सेव टू गैलरी। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ से बैक चले जाना है, बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से जाना है आप काइन मास्टर में, काइन मास्टर में जाना है। ये देखिए दोस्तों हम लोग काइन मास्टर में आ चुके हैं। काइन मास्टर में आने के बाद में प्लस वाला निशान दिख रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट का, यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे लेना है हम लोग को 16.9 में, तो यहाँ पे ले लेने के बाद दोस्तों हम लोग आ गए हैं प्रोजेक्टर में। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को क्या करना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद हम लोग को फायर वाला वीडियो ले लेना है। ये फायर वाला वीडियो भी आपको गूगल गूगल पे मिल जाएगा, सर्च कर लोगे तो। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से ले लिए हैं, इसको ओके कर देते हैं यहाँ से। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग को लेयर पे जाना है। लेयर में जाने के बाद में मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद हम लोग जो नाम सिलेक्ट किए थे उस नाम पे चले जाना है। तो दोस्तों हम लोग ये नाम को लिए थे, यहाँ पे नाम लिए थे। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद में हम लोग को यहाँ से थोड़ा अंदर वाली साइड पर लोड देना है, पे नाम आ चुका है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको भी सेम साइज़ में कर देना है, नीचे के साइज़ में जितना आता है ऊपर वाला वहाँ तक ले लेना है। ले लेने के बाद में देखिए दोस्तों हम लोग इसको प्ले करके बताता हूँ मैं आपको। इसमें आप चाहो तो म्यूज़िक भी डाल सकते हो, आपके हिसाब से कौन सा म्यूज़िक डालना है, जो भी सा भी म्यूज़िक डालना है म्यूज़िक भी डाल सकते हो। तो देख लो दोस्तों मैं एक बार इसको प्ले करके बता देता हूँ। देखिए इस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं और बहुत से लोग इसको। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।